हेलो फ्रेंड्स, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं, हमारा नाश्ता भी हो गया है और अभी सर्दी हो रही है ना, तो गले में खाना सो रही हूँ। तो ये दुकान नहीं है, यहाँ पे मेरी चाय रखी है थोड़ी सी, और ये रात के जो बर्तन वगैरह है इनको साफ कर देती हूँ। और अभी ये इतना फैला हुआ लग रहा है नहीं आपको, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि इस पे कोई भी स्लैब नहीं पड़ी है, तो इसमें लगेगा फर्नीचर, वो अभी नहीं लगवाऊंगी। अभी जिनसे काम हो रहा है ना वो है नहीं अभी। अभी तो किचन में काम भी बहुत रह गया। इधर देखिए आप, इधर नहीं टैल वगैरह कुछ नहीं लगी है, तो यहाँ पर भी मुझे टैल लगवानी है, ये पूरी जो दीवार है यहाँ पर। तो अभी तो आधी अधूरी मेरी जो किचन है वो आधी अधूरी है, पर मैंने सोचा मैं बाहर नहीं, मुझसे खाना नहीं बनता बैठ के, ये आदत मेरी है कि खड़े होकर खाना बनानी, तो मैंने इसमें एंट्री कर ली है। और एंट्री की है तो मैंने सोचा है कि मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा इसमें, क्योंकि कुछ मीठा होना चाहिए। वैसे मैंने इसमें पूर्णिमा वाले दिन में पूजा कर ली थी, खीर पूरी सब बना ली थी, पर अभी आशी को चाहिए हलवा, पूर्वी को भी चाहिए, तो मैंने सोचा मैं चलो इन लोगों के लिए बना देती हूँ, वैसे भी ये कुछ नहीं खाते। और अभी मैंने बनाए थे ब्रेड पकौड़ा और कुछ ब्रेड सेके थे, और ये सबसे ज्यादा बनते हैं हमारे घर में, क्योंकि ब्रेड पकौड़ा आशी को पसंद है और ब्रेड जो पूर्वी को पसंद है, और मेरा तो क्या कुछ भी खा लेती हूँ। तो और ये देखिए, ये मैं बर्तन साफ करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से अपने बर्तन जो वो साफ कर लेती हूँ। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इधर देखिए, ये मेरा गोलू मोलू नहीं उठ गया है, और उठने के बाद ये यहाँ पे मैंने इसको लेटा दिया था, तो ये चुप नहीं रही थी, तो मैं इसको खिला रही हूँ, तो ये हंस रही है थोड़ी सी, तो मैंने सोचा इसको नहीं बिठा देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी लेटे लेटे नहीं बोर हो जाते हैं। और ये देखिए, मैंने इसको चारों तरफ से रजाई लगा दी और इसको बिठा दिया, ये बहुत खुश हो रही थी। फिर मैंने इसको इसका एलिफेंट दे दिया, ये इससे नहीं बहुत ज़्यादा खेलती है, यहाँ तक कि इसने फाड़ भी दिया है इसको। तो ये देखिए, और फ्रेंड्स ये मेरा नहीं किचन का पहला ब्लॉग है, जब किचन बन गई है उसके बाद मैंने ये बनाया है। तो ये देखिए, इसका नहीं बोतल जो है निकल गई है, ये निपल, ये शहद वाली जो होती है बच्चों को देते हैं ना, वही मैं इसको लगा देती हूँ, क्योंकि इससे ये नहीं चुपी रहती है आराम से। और ये देखो कितनी लड़ाई कर रही है, कितनी लड़ाई कर रही है। और ये काम नहीं हमारी पूर्वी करती रहती है सूट करने का, मैं इसको खिला रही हूँ, वो मेरी वीडियो बना रही थी, पर मुझे ये पता नहीं था कि वो ये वाली भी वीडियो बना लेगी। तो जब मुझे अच्छी लगी तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे ही छुपा दूंगी, और उसके बाद इसको चुप कराने के बाद मैं चली जाऊंगी किचन में। तो ये देखिए, शाम के लिए मैंने राजमा भिगो दिया है, मेरे हस्बैंड को नहीं राजमा बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो ये दूसरे तीसरे दिन नहीं मैं बनाती रहती। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, गोभी आलू की जो सब्ज़ी है नहीं, वो मैंने उबालने के लिए रख दी है, क्योंकि अभी मैं खाने में बना रही हूँ गोभी आलू और पराठे। के बाद यहाँ पर मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है, बना रही हूँ मैं पराठे। टाइम हो गया 12:30 बज रहे होंगे करीब, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी दुकान से खाना खाने के लिए आने वाले थे, और इधर बेबी सो रही थी तो वो भी उठ गई थी, मैंने उसको सुलाने के बाद खाना बनाना स्टार्ट किया, फिर भी वो उठ गई। और मैंने फिर पूर्वी को बोला कि तुम इसको पकड़ लो, तो पूर्वी ने उसको संभाल लिया है। हेलो। और केसु को तो पूर्वी संभाल रही थी, और आप देख ही सकते हैं बच्चे इस तरह से मैं संभालने के बाद किचन में आ गई थी, क्योंकि उस टाइम मैंने थोड़ा खाना बनाया और फिर बंद कर दिया, और फिर जब पापा आए खाना खाने के लिए तो मैं दोबारा से बनाने लगी हूँ। तो अब मेरा खाना हो गया है, मैं करूँगी रेस्ट। तो यहाँ पर मैं करने लगी हूँ आराम, क्योंकि सुबह में इतनी जल्दी उठ जाते हैं ना, तो नींद भी पूरी नहीं होती, और रात को मेरी ये बेबी है नहीं वो भी उठा लेती है मुझे, और अभी ये सो रही है, देखो कैसे टैडी को लेके सोती है, इसी के साथ ही ये सोती है। तो यहाँ पर मैंने सोचा जब ये लेटी हुई है तो मैं सो लेती हूँ, पर आशी देखो कितना परेशान करें, ये सोने थोड़े ही देंगी, आशी कुछ ना कुछ करती ही रहती है। तो यहाँ पर कैसा लगा मेरा ब्लॉग आज का ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।